तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, जरा इस पे विचार करते हुए इसको, इस प्रस्ताव को, चूंकि हाई कोर्ट का आदेश है, उस आदेश का पालन होना चाहिए। और मान्यवर, इसी सदन में सामाजिक न्याय समिति की बड़ी चर्चा हुई है, नियम 56 में बहस हुई, संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया, मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया, लेकिन वो रद्दी की टोकरी में पड़ी रह गई। तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, थोड़ा ध्यान इधर करिएगा, आपका ध्यान कागजे में ज्यादा रहता है, कम से कम हम लोगों की विपक्ष की बातों पर भी तो ध्यान दीजिए महाराज। हम तोरे पार्टी ज्वाइन कर लेगा? अरे हमारी अपनी पार्टी है महाराज, अपनी पार्टी के दम पर बोलते हैं, हम सपा उपा के चक्कर में नहीं रहते। रविया जो भाई गिनती देखा था ना, जो गिनतिया देखा था, ये ओम प्रकाश राजभर को मन बड़ी भूमिका है, वो समझ सोचिएगा। अरे ठीक है, घबरा मत, आपस में बातचीत, मेरा निवेदन, मेरा एक मिनट, मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन है, माननीय ओम प्रकाश जी, माननीय ओम प्रकाश जी, माननीय ओम प्रकाश जी, माननीय ओम प्रकाश जी, मान्यवर जो भी बात कहनी है मुझसे कहिए, आप डायरेक्ट आपस में कोई बातचीत करिए। आप भी शांत रहिए ना, देखिए आपने छेड़ा तो उन्होंने बोला, आप बोले नहीं गलत बात, आप ही बोला, हल्ला कर रहे आप। माननीय ओम प्रकाश जी, आप विषय पर आइए प्लीज, माननीय अध्यक्ष जी, आप विषय पर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर आपने भी आश्वासन दिया था, और अभी तक वही सही पड़ा है। चलिए धन्यवाद, उस पर ध्यान करिए। चलिए अमृता जी, धन्यवाद आपका, 5 मिनट में चलेगा महाराज, जरा वक्तव्य दीजिएगा, आप अपना विचार रखिएगा, तो थोड़ा समय सीमा निर्धारित करिएगा। ये एसटी का जो हाई कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट का जो आदेश है, फैसला नहीं आदेश है, आपकी बात उन्होंने समझा लिया, सरकार इस प्रस्ताव को दिल्ली भेजे, धन्यवाद, इस पे भी थोड़ा आप हमारी तरफ से वकील बनिए। धन्यवाद ओम प्रकाश जी, थैंक यू, 5 मिनट हो गए, समय की सीमा है। माननीय नेता